भाई साहब भीड़ देख लो आप, आपको हटना पड़ेगा आगे से, राइट लेके ना ऐसे करके मुड़ना पड़ेगा। ये हो गई। You just have to try harder than you fight. You might be in love. भाई साहब जान ले ली है जाम ने ना मनाली में, जाम देखो आप, कई कई किलोमीटर का लंबा जाम है। तो भाई मनाली जब भी आओ ना क्रिसमस से न्यू ईयर तक तो भाई कभी मत आओ, कसम खा लो, क्योंकि भाई साहब ना यहाँ पे आपको होटल मिलेंगे ना आपको यहाँ पे फूड मिलेगा और जाम तो है ही है ही। गाइस अपना होटल है ये और 45 मिनट हो गए हैं, 50 मीटर आगे नहीं बढ़ पा रहे, पूरा जाम है यार मनाली में, पता नहीं क्या हो गया भाई, सारी दुनिया मनाली आ गई है न्यू ईयर मनाने। तो भैया एक घंटा हो गया और अब जहाँ से चले थे वहीं वापिस जाना पड़ेगा क्योंकि बैक करनी पड़ेगी गाड़ी। ओहो अब ये फंस गई यार, वैसा इसने जान ले ली। अब लोकल हो, लोकल हो यार, यहाँ पे कल कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? टनल होके आई है, टनल सुबह किस टाइम निकल जाए? कम से कम 5 बजे, 8-9 बजे जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, जाम में फंस के रह जाएंगे सारा टाइम निकल। अच्छा और आधे टाइम आने का टाइम कौन सा बेस्ट होगा? 5 बजे निकले हम अभी वापस आ रहे हैं। 5 बजे निकले थे आप आए हो? सुबह 5 बजे निकले थे, सुबह 5 बजे। और अभी कितना जाम मिला वहाँ पे आने के टाइम? जाम ही जाम था। अरे यार हेलो सुन लिया भाई, सुबह कितने बजे निकलोगे? 4 बजे। कहाँ से निकलेगी ये इनोवा यहाँ से? लाओ भाई लाओ सीधी। निकालो। चलो। चलो। तरफ मत लेना, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, नहीं भैया ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट बच जाए तो अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, आपको हटना पड़ेगा आगे से। रुक जा भैया आप, मैं थोड़ा आगे लेता हूँ, सेम सीधा रखो ना आप, हाँ बस निकालो बस, अभी इधर से जागो, मैं इधर से जागू, रुक जाओ अभी भैया, अगर ये एक फुट आगे हो जाएगी ना तो निकल जाएगी, एक फुट आगे हरा दो उसको। अब हमें जाना है यहाँ से अंदर और तो हमें थोड़ा सा राइट लेके ना ऐसे करके मुड़ना पड़ेगा, बट दिक्कत है राइट लूँगा तो फिर ट्रैफिक जाम, ये वाली गाड़ी आगे हो उसके बाद आगे निकलूँगा मैं, ये मोड़ रहा है बैक करेगा। आप आओ मैं कर लूँगा, आप आ तो आप मोड़ो मैं कर लूँगा पीछे, आओ तो यार आगे, कोई बात नहीं भाई। तो भाई अब इसमें एक उंगली तक नहीं जा सकती और कितना मिला के पार्क करूँ, पर अभी इसको और साइड में करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। ओह बुरी हालत है यार भैया, न्यू ईयर के टाइम पे बिल्कुल ना आना। 1 hour later तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर करने क्योंकि हमारे होटल की जो किचन सर्विस है वो बंद है, तो हम बाहर जा रहे हैं मार रोड और हम जा रहे हैं वॉक करते करते क्योंकि हमारी गाड़ी के पीछे जिसने गाड़ी लगा रखी है वो बंदा गायब है, तो हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है और अभी टाइम रात के 9 बज रहने वाले हैं। भीड़ तो होटल के बाहर थोड़ी थी पर यहाँ खाली है, बट भाई क्या ही बोल सकते हैं, अब तो बंदा ही गायब है, गाड़ी उसने लगाई है पीछे। और हम लोग पहुँच गए माल रोड और यार आप भीड़ देखो यहाँ पे,
भाई साहब पूरा माल रोड पैक है भाई, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। मैं फोर्थ टाइम आ रहा हूँ मनाली, पर मैंने माल रोड में आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी। A few moments later. तो भाई साहब माल रोड पे झक मार के हम आ गए हैं अपने रूम में, और सुबह उठना 4 बजे, नींद आ रही है बड़ी गंदी, और पता नहीं सुबह कैसे उठूँगा। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर दो। बाय, टेक केयर। रुको जरा, सबर करो गाइस। अभी हो रहे हैं रात के 10:44 और मैं कर रहा हूँ अभी डेटा ट्रांसफ़र। वो बंदा सो गया, खराटे ले रहा है, ये बंदा भी सो गया है। और अभी मुझे कर रहा है डेटा ट्रांसफ़र, इसमें लगेगा अभी 1 घंटा 15 मिनट, तो लगभग मुझे बच जाएगा इसमें अभी करते करते 12। और सुबह उठना है 4 बजे, और अभी मुझे गाड़ी अपनी निकालनी है, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा रखी है। तो मुझे सुबह निकलना है 4:30-5 बजे, तो सुबह कोई गाड़ी निकालेगा नहीं, तो अभी गाड़ी निकालने भी जाना है। और ये भाई सब लगाएंगे टाइम, और देखो भाई कैसे होगा। तो गाइस रात के बजे 12 और मनाली में हो गया स्नोफॉल स्टार्ट। अभी हमने गूगल पे देखा कि स्नो कल होगी या नहीं होगी, तो गूगल दिखा रहा है कि स्नो हो रही है। जैसे हमने रूम का गेट खोला और भाई साहब बाहर स्नो हो रही थी। अभी आपको चलता हूँ बाहर और आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी टॉर्च से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। फाइनली भाई स्नो हो गई। तो गाइस ये देखो स्नो हो रही है यार। तो भाई इसने ही हमें बताया कि यहाँ स्नो हो रही है। और आसिफ मियां भाई खराटे मार के सो रहा था भाई बुरी तरह ये, और ऐसे उठ के भागा है टी शर्ट में, अभी से लग रही है ठंड गजब की। 100% हो गया, आप देखिए 100% था। खुशी इतनी थी इस स्नो के आगे कि सब कुछ जैसी हालत में था ऐसे उठ के बाहर भाग गया। और ये सुबह चल अच्छा हुआ लोअर पहन रखा था। पूरे दिन होगी भाई ये, शाम 5 बजे तक होगी। कल शाम 5 बजे तक होगी। हाँ तो भाई कल होगी स्नो शाम को 5 बजे तक, तो यार मज़ा आने वाला है। बाकी आगे का प्रोग्राम देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है आपको पता पड़ ही जाएगा। ये स्नो हो गई। तो यार आपको शायद थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही हो, मेरी जैकेट पे स्नो है थोड़ी थोड़ी, और कल होने वाली यहाँ गज़ब की स्नोफॉल। तो कल आने वाला है मज़ा। और सुबह प्लान था हमारा अटल टनल जाने का, आप देखते हैं कल का यार कैसा होता है। तो वैसे यार प्लान बनते हैं बिगड़ते हैं, कई बार बिना प्लान के भी आते हैं, तो यार वही ज़्यादा अच्छा है। बिना प्लान क्या हो, एंजॉय करो, मौज लो।